वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन और ग्वालपोखर के ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल में मौजूद हूँ। फिर से यहाँ जो है हाई स्कूल के सामने आग लगा दिया है टायर में, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी 2 घंटा से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस कड़ी धूप में बच्चे लोग, यहाँ सीधा वो तस्वीर देख सकते हैं, हम पहले तस्वीर दिखा देंगे ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल से जो स्टूडेंट जाम किए हैं। यहाँ जो है बेंच को भी जला दिया है, देख सकते हैं सीधे तौर से, जो काफ़ी जो है आंदोलन चल रहा है यहाँ पर ज़ोरदार से। या सीधे वो तस्वीरें देख सकते हैं ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल से, जो टीचर की कमी की वजह से ये प्रोटेस्ट रैली ये रखा गया है। ये जम करके जो है स्टूडेंट जो जम कर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लगातार 2 घंटा 3 घंटा गुजर जाने के बाद फिर दोबारा से ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानने की सीधा वो तस्वीर करेंगे, सीधा जानने की कोशिश करें। कितना टीचर है अभी? अभी अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, पुरानी जो क्लास होता है वो भी एक क्लास जो रहेगा मास्टर नितिन लेके एक महीने से गायब है, कोई पता नहीं। हमें भी अलग टीचर था, हमारी क्लास में नहीं बना रहे। अरे कौन बोलता है पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है हेडमास्टर कहाँ पे? हेडमास्टर, अरे रुको ना एक मिनट, बोलना हेडमास्टर कहाँ पे? हेडमास्टर अभी अंदर अंदर। क्या नाम है हेडमास्टर का? एजाज सर, अभी चार्ज में है। कौन छुट्टी लेके बैठा है एक महीना से? ये ओके, कौन सा क्लास ले रहा है? ओके अभी नहीं है, ओके हेडमास्टर है, क्लास टीचर है, क्लास हम लोग का क्लास तो होना चाहिए ना। और कितना टीचर होना चाहिए, तो लोग का मांग कितना टीचर? और भी अभी दोनों टीचर का, हम लोग का क्लास एडमिट का और भी 3 टीचर होना चाहिए। हम लोग का फिलोसॉफी ऑप्शनल होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री क्या है, हम लोग का हिस्ट्री का टीचर चाहिए, हम लोग हिस्ट्री को ऑप्शनल नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं है। और हम पूछेंगे क्या मांग है तुम लोगों का? हम लोग का टीचर चाहिए और गेटमैन चाहिए और खाना का अच्छा व्यवहार चाहिए, कुछ भी नहीं मिलता है, और क्लास टीचर भी चाहिए, पानी भी अच्छा नहीं मिलता। टीचर 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 आपका हम लोग क्लास 8 में है, बस ज्योग्राफी इंग्लिश और साइंस होता है और 300 सब्जेक्ट नहीं होता है। टिफिन के बाद एक तो मैथ क्लास है मगर वो भी क्लास नहीं हो रहा है, और खाने पीने का इंतजाम भी यहाँ अच्छे तरीके से नहीं है। जो वहाँ पे खाने पीने का जो रूम बनाया है उसमें जो रूटिंग है उसके हिसाब से नहीं खाया पिया जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ पे पानी का भी इंतजाम अच्छा नहीं है, पानी से कुछ निकल रहा है खराब। अगर बाहर पीने जाए तो बोल रहा है कि घूमने के लिए आए हो तो घूमो, यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें घुसने नहीं देते। हाँ अगर थोड़ी देर 5 मिनट लेट हो जाए तो क्लास में अंदर नहीं आने देता है, बाहर ही खड़े होना पड़ता है। और जब हम लोग जल्दी आ जाते हैं, सर लेट करके आए तो उन लोगों को कुछ नहीं बोल पाते हैं हम लोग, मगर हम लोगों को अंदर नहीं आने देता है। ये क्या आज तुम लोगों का क्या क्या मांग है? आज हम लोगों का टीचर का मांग है, एक आदमी बोला टीचर का मांग है, गेटमैन का मांग है, और यहाँ पे खाने पीने का हर रूल अच्छा तरीके से। कितना टाइम तुम्हारा ये अवरोध चलेगा? हम लोगों का मांग नहीं पूरी होगी, यहाँ आप लोग लिख के दीजिए कि कब ये सही होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहत परवीन है। रोड जाम के लिए ताला लगा दिया क्योंकि हम लोग टीचर की कमी है, फिजिक और हिस्ट्री का टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं है, सर ने कहा सरकार वाले टीचर नहीं दिए, जब सरकार वाले टीचर नहीं दिए तो फिर एग्जाम क्यों लेंगे उसका? एक समस्या ये है, जब हर स्कूल में गेस्ट टीचर रखा गया है तो इस स्कूल में क्यों नहीं रखा जाएगा? हर स्कूल में 5-6 करके गेस्ट टीचर रखा गया है, इस स्कूल में जब सर को बोला गया कि गेस्ट टीचर रखेगा तो सर ने कहा कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, तो हम लोग का मजबूर है, हम लोग मजबूर है
रोज जाम करना पड़ा। और ये हम लोग का गेटमैन का बहुत ये है क्योंकि गेटमैन का इंतकाल होने का कम से कम 6 माह हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले 2 लड़का हमारे क्लास में जाके घुस गया। तो मैंने उसे कहा कि तुम क्लास में क्यों घुसे, तो उसने कहा तुम्हारा स्कूल है क्या। तो मैंने उसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। जब मैंने ये सवाल सर से किया तो सर ने बोला तुम ही लोग बुलाया होगा, हम लोग क्यों बुलाएंगे किसी को अपने स्कूल में। तो हम लोग का ये है कि गेट में रहेंगे तो बाहर के आदमी अंदर नहीं आ पाएंगे, तो इसे यही है। गेटमैन जो पहले था उसका कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए, उसके बाद से गेटमैन का कोई आता पाता ही नहीं, कोई दूसरा रखना चाहिए जो नहीं रख रहा है। और हम लोग क्लास में उसका रुपया आता है, लेकिन हेडमास्टर को ये बोला गया कि ये गेटमैन क्यों नहीं रखा गया। टीचर ने कहा कि हमसे ये नहीं होगा, तुम लोगों को जो करना है तो कर लो, लेकिन मजबूरन में हम लोग को ये रात रोज जाम करना पड़ा। तो इसलिए सर से हम लोग यही रिक्वेस्ट होगा हम लोग का ये कहना है कि टीचर हम लोग का जितना क्लासेस है उतना टीचर नहीं है, और जब टीचर नहीं है हम लोग ट्यूजडे के दिन जाके सर को बोले हेड टीचर को, तो सर हम लोग का टीचर का कोई उपाय कर दीजिए। तो सर ने कहा कि तुम लोग मैं अपने पैसे से क्या अपने सैलरी से क्या टीचर को ये करूँगी, गेस्ट टीचर रखूँगी। तो हमने कहा कि सर अगर ज़रूरत पड़ने से टीचर को रखना पड़ेगा, जैसे मोनीमीटा में रखा है, लोधन में रखा है और नांदोजर में रखा, तो हम लोग का स्कूल में क्यों नहीं रहेगा गेस्ट टीचर। तो सर ने कहा तुम लोग जो करने पाओगे कर लो, तो हम लोग इसलिए टीचर चाहिए। सीधे वो तस्वीरें देख सकते हैं, 2 घंटा से लगातार आग को जलाकर बेंच को जलाकर जो है प्रशासन अभी अंदर गया बात करने के लिए। जो आप देखते हैं प्रशासन और स्टूडेंट के बीच में जो है बात कर रहे थे कि हम लोग का मांग है टीचर की कमी की वजह से आए हैं यहाँ पर। एक आदमी बोलेगा इधर आना, एक आदमी बोले यहाँ से वादा करके ले गया। एक बात देखो, अगर मीडिया किसी को चलाएगा नहीं चलाएगा वो तो मीडिया किसको ब्लास्ट करेगा, किसको टीवी में देगा नहीं देगा उसका बात करो। ले जी मीडिया बंद कर दिए थे ना भाई, एक आदमी बात करो सीधा तस्वीर देख सकते हैं ग्वालपोखर थाना से प्रशासन और स्टूडेंट के बीच में जो बात करते हुए नजर आ रहा है ये वीडियो। सीधा मांग है कि फाइनल मांग है हम लोग टीचर की कमी की वजह से प्रोटेस्ट रखे हैं यहाँ पर। इस कड़े धूप में 2 घंटा से लगातार टीचर्स हैं, उस बात से हम लोग टीचर त्रास लेते हैं। आप काफी दिनों से इस स्कूल के टीचर हैं सर, हम ये जानना चाहते हैं आपके स्कूल में कितने टीचर हैं। आठ ही टीचर हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 टीचर हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर? टोटल लगभग 2000 स्टूडेंट में 8 टीचर हैं। 8 टीचर में कुछ ज्यादा भी नहीं है, अभी कोई नहीं बोले 8 टीचर। सर क्या रेशियो है सर, कितने स्टूडेंट पर एक टीचर होना? 41 जो जो गाइडलाइन है 41 चलेगी 8 क्लास है सर, कम से कम 20 टीचर चाहिए। एक बार नहीं 2500 बार भेज चुके हैं, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है सर, जाना पड़ता है। मोहम्मद एजाज रहबर रहबर अब बच्चे का डिमांड है ऑनलाइन 10, 8, 11, 12 क्योंकि लोकल बच्चे हैं, अगर नहीं खिलाएगा झमाला करता है भाई। कैमरा तो बंद करो। मोहम्मद एजाज घर आप इस स्कूल का TSC हाँ।
उसको रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करती है, हम लोगों को रिक्वेशन भेजना पड़ता है, रिक्वेशन भेजते हैं, उर्दू मीडियम स्कूल है, टीचर नहीं आता, हम क्या करें? দীর্ঘদিন সমস্যা এবং সামনে তো পরীক্ষা রয়েছে বাচ্চাদের, তাহলে ফলাফল কেমন হবে? তাহলে এমন যদি টিচার যদি না থাকে তাহলে ফলাফল দেখিয়ে দাও, ফলাফল বেলা তো আচ্ছা রাখতে হয়। স্কুলে যে বাচ্চারা রয়েছে তারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে, সেই মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে যদি ওরা শিক্ষক না পায়, পড়াটা ঠিক করে না পড়তে, তাহলে রেজাল্ট কেমন হবে আপনার স্কুলে? বতাইয়ে, আপ মিডিয়া কর্মী হ্যাঁ, আপ ইয়ে বতাইয়ে স্যার, আপনি সমঝ রে রিক্রুটমেন্ট কেসে হোগা ইয়ে বতাইয়ে, হমকো থোড়া সা প্লিজ ইয়ে সমঝা দিজিয়ে, হম ক্যা কর সকতে, রিক্রুটমেন্ট কর সকতে হ্যাঁ। তো আপ ক্যা আপকা উচ্চ, বিলকুল বিলকুল আধার কেন্দ্র পৌঁছাতে হ্যাঁ, রেগুলার পৌঁছাতে হ্যাঁ, हम लोग भेजते हैं सर, और खुद जाते हैं, कभी ऑनलाइन भेजना पड़ता है, कभी ऐसे जाना पड़ता है, फिजिकली जाना पड़ता है, हार्ड कॉपी भी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं। इससे तो परेशानी आपको भी तो भुगतना, बिल्कुल परेशानी होगा, ये परेशानी का नतीजे रिजल्ट तो आया है, कंस्टिट्यूएंट आपके सामने, यही तो परेशानी है, और दूसरी परेशानी क्या है? इससे ज़्यादा बेइज्जती, इससे ज़्यादा मानहानि की बात क्या हो सकती है सर? मेरा स्टूडेंट मेरे सामने खड़ा होकर मुझको गलत सर ठहराता है, नहीं खेत खाया गधा मार खाया जोला, ना रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट नहीं करती है, परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। आपका नाम? मोहम्मद एजाज राबर। कितना स्टूडेंट है आपके? 2000 प्लस। कितना टीचर है? 8। सिर्फ 8? सिर्फ और सिर्फ 8।